आपका परिवार भी प्रसाद भोला सिंह आए हैं, फिर जाके मीसा भारती आई है, आज मुलायम सिंह के पोता से शादी हुआ है वो भी आई है। तो सुपर द्वारा यही से भारती आती थी, मुलायम सिंह के पोता से जो शादी हुआ वो आते थे, भोला सिंह आते थे ले, तो उनके पिए ना भोला सिंह वो आते थे लेने। सब साथ में पढ़े हैं नवल किशोर यादव हुए, हमको रहते सर यहाँ 40 साल हो गया, ऐसे सास ससुर 66 से ही मेरा दुकान है, हटाव बढ़ाव होता है तो पर भी हम लोग रहते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की जो तैयारी है वो राजधानी पटना में किस तरीके की हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ हम जिस दुकान पर आए हैं सूप और दौरे का ये दुकान है और ये पटना का सबसे ज़्यादा फेमस दुकान है, यहीं पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी यहीं से सूप और दौरा खरीद कर लेकर जाती है, चाहे वो मीसा भारती हो, पटना के जितने विधायक हो, बड़े बड़े लोग यहीं पर आते हैं और सूप और दौरा खरीदते हैं। हम आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से छठ महापर्व को लेकर तैयारी में पूरा पटना जुट गया है, सूप दौरे सज चुके हैं और जितनी भी छठ व्रतियां हैं वो यहाँ पर आएंगी और सूप और दौरा खरीदेंगी। यहाँ पर जो बैठी है चाची लगभग 40 साल से यहाँ पर बैठी है और सूप दौरा बेचती है। चाची आप कब से बेच रही हैं यहाँ पर? हमको रहते सर यहाँ 40 साल हो गया, ऐसे सास ससुर 66 से ही मेरा दुकान है, हटाव बढ़ाव होता है तो पर भी हम लोग रहते हैं। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का परिवार भी है, प्रसाद भोला सिंह आए हैं, फिर जाके मीसा भारती आई है, आज मुलायम सिंह के पोता से शादी हुआ है वो भी आई है, अनीता सिंह, शांति राय, सुशीला पांडे, बहुत सब यहाँ आके आते हैं लेने। पहले फेमस नवल किशोर यादव, सब यहाँ फेमस दुकान था, अब तो दिन पर दिन घटती ही जा रहा है, बहुत बेचने वाला हो गया है, एकदम जो फूल बेच रहा है वो बेच रहा है, किराना दुकान है उस वो बेच रहा है, हम लोग का रोजगार थोड़ा मध्यम पड़ गया है बेटा। पहले तो हम 8 को बच्चा पोस लिए, पढ़ा लिखा दिए सबको, मगर अब पोसने लायक नहीं है, हम अपना घर नहीं है, किराए में रह के सबके बाल बच्चा के खड़ा कर दिए, अब होने वाला नहीं है, महंगाई वैसी हो गया और बेचने वाला ज़्यादा हो गया। जब राबड़ी देवी छठ करती थी तो सूप और दौरा यहीं से जाती आती थी, मुलायम सिंह के पोता से जो शादी हुआ वो आते थे, भोला सिंह आते थे ले, तो उनके पिए ना भोला सिंह वो आते थे लेने। अच्छा, तो यही सिंह कहती थी कि कहीं मन नहीं भरता है, यहीं चलाती थी, शांति राय, कंकड़ बाग, वो भी आती थी। अच्छा, तो आपके यहाँ से सूप और दौरा खरीद के बोलो, यहाँ सूप दौरा 2 पैसा टाइट लगेगा मगर सामान एकदम सॉलिड देते हैं, एकदम थोक के साथ हम बेचते हैं, इतना ना चिन्हल जानल गाँव के है ना कि कहीं पर ही कोई सामान मिलेगा मगर कहता है कि आप बिना है मन नहीं भरता है। अच्छा। चल ही आते हैं कोई भी हालत में। देखिए चाचा भी बता रहे थे, चाचा आपकी दुकान पे कौन कौन आया है खरीदने के लिए? नवल किशोर यादव है। अच्छा। भाजपा के हैं। अच्छा। प्रजापति यादव है। अच्छा। कांग्रेस के हैं विधायक, आपको भोला सिंह, जितने भी विधायक हो, बड़े बड़े लोग हो, सारे नेता आपके पास आते हैं? सभी आते हैं, साधु जादव तक भी आते हैं। अच्छा। आपको जो मतलब कि लालू यादव के जो हैं साले, हाँ, वो भी आते हैं, सुभाष यादव भी आते हैं, यही आते हैं सब सूप दौरा, सब उनको जो जो हम पुराने दुकानदार हैं, परिचित हैं सब। रह गया बात, हम स्नातक हैं एन कॉलेज के। अच्छा, आप ग्रेजुएशन है वहाँ से, एन कॉलेज से? हम 89 के स्नातक हैं एन कॉलेज। अच्छा। सब साथ में पढ़े हैं नवल किशोर यादव हुए। तो आप नवल किशोर यादव के साथ पढ़ते थे? जी। अच्छा। घंटा रुकते हैं। हाँ, सदाकत आश्रम में भी जाते थे, शकील अहमद, शाहनवाज हुसैन, ये सब से परिचित है, नागेंद्र कुमार भी कल कांग्रेस के हैं, सब मित्र हैं हमारे, लेकिन हम बिजनेस में रह गए तो यही हैं। देखिए ये जो हम आपको सूप और दौरे का ये दुकान दिखा रहे हैं, ये दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, खुद मीसा भारती आई है, जब राबड़ी देवी छठ करती हैं तो यहीं से सूप और दौरा लेकर जाती है, चाची के हाथ का बना हुआ सूप और दौरा लेकर जाती हैं और छठ व्रत करती हैं, है ना चाची?
आप ही के हाथ का बना हुआ ले जाते? नहीं, हम बाहर से माल लाते हैं, हम लोग बनाते नहीं है, सब बाहर से आता है। मगर हम सामान दो पैसा टाइट देके एकदम सॉलिड सामान लाते हैं कि एक बार देखते हैं तो मन भर जाता है। जीपीओ गोलम्बर, जीपीओ के गेट तक दुकान 8-10 गो है, मगर हमारे दुकान का सामान का जोर नहीं है। वही चलते सब आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा बोली भी अच्छा, विचार है और सामान भी अच्छा रहता है। और सूप और दौरा के अलावा भी कुछ बेचते हैं? मिट्टी का सामान बेचते हैं, हाथी उथी, ढकना, कपटी, कोसी उसी सब बेचते हैं। मिट्टी और टोकरी, दौरा, सूप, यही सब बेचते हैं। ऐसे लगन में शादी उदी का सामान भी बेचते हैं। अच्छा। तो शादी का सामान आपके यहाँ से खरीदते हैं या नहीं बोलो? हाँ, आते हैं। अच्छा। दूर दूर से आते हैं, कहीं भी मिलेगा मगर मेरे ही आके लेंगे। अच्छा। कहते हैं कि आपका शुभ रहता है सब चीज। देखिए, यही है छठ जो पावन पर्व है, लोक आस्था का महापर्व है। इस पर्व की तैयारी के लिए पूरा पटना शहर तैयार हो चुका है। हर जगह आपको छठ के गीत सुनाई देंगे। और आज का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए, हल्की हल्की धूप होती है और सभी आपको छठ व्रतियाँ अमूमन खरीदारी करते ही नजर आएंगे। कि यही छठ महापर्व जो है, लोक आस्था का महापर्व, इसकी तैयारी में पूरा पटना शहर जुट गया है। अभी हम जो दौरा और सूप के दुकान पर आए थे, और ये दुकान बेहद ज़्यादा फेमस है। जैसा चाची ने बताया कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहीं पर आता है और छठ के लिए सूप और दौरा खरीदता है। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।